नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज के तमाम खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की है, जहां नगर निगम के महापौर की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस ने महापौर पर करोड़ों रुपए का फिजूल खर्च करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसियों ने कहा कि शहर के विकास के लिए नगर निगम के पास बजट नहीं है, लेकिन महापौर ने स्वयं पर किराया भाड़े के नाम पर 1,66,00,000 से अधिक खर्च किए हैं। इसके साथ ही शपथ विधि समारोह में उन्होंने टेंट पर 54 लाख रुपए के खर्च किए है। अब रही बात, जैसे ही महापौर जी ने शपथ विधि का काम किया और शपथ लेने का काम किया, तो हमारे सभी सम्माननीय पार्षदों ने, क्योंकि नगर निगम की जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग ना महापौर जी ने बुलवाई ना कमिश्नर ने बुलवाई, हमारे पार्षद दल ने, हमारी अध्यक्ष ने मिलकर लगातार निवेदन और आवेदन देते रहे। फिर कलेक्टर मैडम के माध्यम से इस परिषद की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में शहर की ज्वलंत समस्याएं तो थी और जो पिछले एक वर्ष में जो बुरहानपुर नगर निगम की हालत बद से बदतर हुई है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको उजागर करने का काम हमारे सभी पार्षद दल कर रहे थे, तो उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। अब महापौर जी ने अपना शपथ विधि समारोह हुआ, 45 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया है। अरे 45 लाख में तो मैं समझता हूँ कि 3 टेंट हाउस खरीद सकते थे महापौर जी। बाकी महापौर जी को तो सिर्फ विकास दिख रहा है और कैसे हम नगर निगम में इनकम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे। ये कहावत भी है, ज्यादा खर्चा करो तो कमाई होती ज्यादा, इसीलिए हमारे गरीब के, शहर के गरीबों का गला दबाने का काम ये महापौर और ये भारतीय जनता पार्टी के परिषद कर रही है। और ये सिर्फ बात हो रही है टेंट की, लाइटिंग और अन्य जो खर्च होते हैं सम्माननीय के, वो अलग है। अब 15 अगस्त का कार्यक्रम भी होता है नगर निगम, जब परिषद में महापौर जी नहीं थे तो 2,200 रुपये खर्चा है, और जैसे महापौर जी ने पदभार ग्रहण किया तो वही 15 अगस्त पर नगर निगम को 35,000 का खर्चा करना पड़ा, उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे। ये तो एक छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। जब लोकसभा चुनाव आए तो 187 पोलिंग बूथ पे 2-2 सीलिंग, 3-3 सीलिंग के इन्होंने, आप सबने, भाई लोगों ने जाकर बूथों पर, आप लोग भी गए थे कि नगर निगम ने कितने सीलिंग और कितना टेंट डाला था, उसका बिल भी 28 लाख रुपए। और जब नगर निगम आयोजन करती है जन समस्या निवारण शिविरों का वार्डों में, तो वो भी आप लोगों ने भली भांति आप देखते हो कि कितने, 2 सीलिंग और 10-20-25 कुर्सियां, तो बिल 15,000, 18,000, 20,000 पर वार्ड। और जन समस्या निवारण शिविर, मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण शिविर, अलग अलग प्रकार के शिविरों के माध्यम से बुरहानपुर के जनता की टैक्स की कमाई को इन्होंने भ्रष्टाचार में बर्बाद करने का काम इस परिषद के महापौर, सबसे ईमानदार महापौर बुरहानपुर जिले के, इन्होंने करने का काम किया है। और उनके पति जिस प्रकार से विकास पुरुष है, सिद्धांत के बहुत पक्के हैं और ईमानदारी में उनका बुरहानपुर में कोई तोड़ नहीं है, जो उन्होंने विकास किया है, तो ये 2 साल से महापौर वापस बने, 20 साल से परिषद भाजपा के महापौरों की है, और आज शहर की जनता गड्ढों के मारे हाल बेहाल आंदोलन, और आंदोलन के बावजूद भी इनके कान पर जू नहीं रेंग रही, गंदा पानी पीने को विवश बुरहानपुर की जनता, और बीमार, डायरिया, मृत्यु तक इस कार्यकाल के पिछले तीन माह में हुई है। गंदगी में जहां बुरहानपुर हमारा देश में नंबरों की ओर आगे बढ़ रहा था, तो अब नंबरों में सबसे पीछे हमारा बुरहानपुर शहर चला गया। हमारे ईमानदार महापौर है, अपने वार्ड में कहीं 50,000 रुपये का कोई नाली निर्माण करना हो, कोई सदर टूट गया हो, कहीं पे पाइपलाइन, किसी आप जनता के लिए पानी की तकलीफ हो तो पाइपलाइन हमको करवानी हो, उसके लिए पैसे नहीं, क्योंकि नगर निगम की स्थिति बहुत बदतर। शहर में आज आप सब जानते हैं, मीडिया के साथ ही आप लोग भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, पूर्वक वसूली करना,
नल कनेक्शन की वसूली दादागिरी पूर्वक करना, और बहाना ये कि नगर निगम में फंड नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, फंड नहीं है तो वसूली तो होगी। बाकी ये हमारे जो ईमानदार महापौर है, इनकी ईमानदारी इतनी ज्यादा है विचारों की कि एक वर्ष में यात्रा एवं वाहन महापौर जी ने अपने ऊपर 1,66,18,307 रुपए का व्यय किया। ये हमारे नगर निगम, ये हमारे नगर निगम में जहाँ पर कि पैसा नहीं है नाली संतर पाइपलाइन के लिए, जहाँ पर पैसा नहीं है शहर की साफ सफाई गंदगी को हम और अच्छी कर सके, नालों को हम सफाई दे सके, बाकी महापौर को अपने ऊपर खर्चा करने के लिए बहुत सारा पैसा है। अब रही बात